मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदसरथय दिव बिहारी कहता पसनृप ऐसी हो कारण एक कठिन सुनु सो कालौ तू अपद नाई सीसा एक भी प्रकुल छाड़ी कठिन है उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु, यानी ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन,
मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।